हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो आप लोगों का साइंस का वीकली टेस्ट हुआ है शनिवार को, उसका आंसर की लेकर आए हैं। इसको आप लोग मिला लो, किसका कितना नंबर आ रहा है प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया था और हम आपको बता दें कि ये जो वीकली टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो सभी सिलेक्टेड होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य हैं। यहाँ से सवाल आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप लोग पूरी अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करना है। जो जो क्वेश्चन आपके वीकली टेस्ट में आ रहा है सभी को अच्छे से रट लेना है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम दिया था वो दिया था न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने। और आप लोगों को पता है कि मैंने लास्ट में आप लोगों का कल ही एक वीडियो डाला था और वहाँ से लगभग 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला होगा। तो इस तरह की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर रखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए अब टेस्ट सीरीज भी लाया जा रहा है। आप लोगों को टेस्ट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम के समय जो समय है ना, जो टाइमिंग है वो बहुत कम बचा है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को टेस्ट देना होगा और टेस्ट कैसे देना है, कब देना है, किस प्रकार देना है, ये सब हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो ये जो होता है वो आपका 1/6 गुना होता है। ये भी सवाल हमने आपको कल बता दिया था, देखिए वहीं से क्वेश्चन आपका आया है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। एक वस्तु का जब द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना हो जाएगा? 98 kg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पर ये कह रहा है, किसी द्रव्य में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। उत्प्लावन बल जो होता है वो ऊपर की ओर कार्य करेगा। किस पे करेगा? ऊपर की ओर, याद रखना है। अगला सवाल देखो क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि 1,320,000 विलायक जल में 40 g साधारण नमक विलय है, विलय की सांद्रता बराबर है। किसके बराबर है आपको बताना है? तो 11%, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा मिश्रण है आपको पहचानना होगा, तो यहाँ पर जो जल है वो मिश्रण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा लग रहा है तो इसको बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निलंबन है। तो निम्नलिखित में से कौन निलंबन है? तो मटमैला जल, मटमैला जल जो है वो क्या है? निलंबन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है, नमक तथा कपूर का पृथकीकरण किस विधि की सहायता से किया जाता है। तो नमक और कपूर का जो पृथकीकरण होता है वो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किया जाता है। ये भी सवाल हमने कल आपको बताया था। अगला सवाल देखो क्या है, ट्रैकिडस पाए जाते हैं किसमें आपको बताना है। तो ट्रैकिडस जो पाए जाते हैं वो जाइलम में पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें पाए जाते हैं? जाइलम, ठीक है। यहाँ पे हिंदी वाला स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिएगा। ये भी सवाल मैंने आप लोगों को बताया था, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षा का आवरण बनाता है, कौन बनाता है? तो एपिथीलियम ऊतक, कौन बनाएगा? एपिथीलियम ऊतक बनाता है, याद रखना है इसको। हमारे शरीर की गति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, हमारे शरीर की गति प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा पेशीय ऊतक, कौन हो जाएगा? पेशीय ऊतक। रंध्र का कार्य क्या है? तो रंध्र का कार्य क्या है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी में क्लिक करना है आपको। सरलतम पौधे को किस वर्ग में रखा गया है? सरलतम पौधे को थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह कौन है? जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह है आपका स्तनधारी, जिसमें हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, मगरमच्छ का हृदय कितना होता है? तो मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। बिल्कुल यही सवाल मैंने आप लोगों को करवाया था, देखिए वो सवाल यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और मेंढक किस समूह से संबंधित है? तो मेंढक जो है वो आपका एम्फीबिया समूह से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, एम्फीबिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इसलिए आप लोगों का तैयारी करना चाहते हो अपने परीक्षा की, क्योंकि नेक्स्ट जो परीक्षा है वो आप लोगों का होने वाला है हिंदी और इंग्लिश का। तो उसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। उसके बाद टेस्ट आप लोगों को कैसे देना है वो सब आप लोगों को ग्रुप में जानकारी मिलता रहेगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।